हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग हम लोग पढ़ रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट और पार्ट वन के अंदर हमने पढ़ा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएटिंग एक्सचेंज रेट यानी कि फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और तीसरा है मैनेज फ्लोटिंग उन सबको अच्छे से पढ़ा फिक्सड और फ्लैक्सीबल के मेरिट और डीमेरिट भी हम लोगों ने पढ़ा क्यों फ़ॉरन करेंसी की डिमांड की जाती है और फॉरन करेंसी फॉरन एक्सचेंज रेट का डिमांड फॉर फॉरन एक्सचेंज के साथ कैसा रिलेशनशिप है फॉरन करेंसी की सप्लाई क्यों होती है क्लास और फॉरन एक्सचेंज रेट का सप्लाई के साथ कैसा

ऑफ़ डोमेस्टिक करेंसी या इसी बात को आप कह सकते हो अप्रीसीशन ऑफ फॉरेन करेंसी हमारी करेंसी का डप्रीसी और फॉरेन करेंसी का तो क्या है ये ध्यान से अच्छे से देखो पहले एक डॉलर सत्तर रुपए का था आज एक डॉलर सेवेंटी एट का हो गया है राइट तो आप मुझे बताओ यहाँ पे मैं दो करेंसी की बात कर रहा हूँ दो एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ एक है डॉलर और एक है इंडियन रुपी तो आप मुझे बताओ इंडियन रुपी पहले मुझे सत्तर रुपये देना पड़ता था एक डॉलर के लिए आज उसी डॉलर के लिए मैं अस्सी रुपये पे कर रहा हूँ आज उसी डॉलर के लिए मैं क्लास अस्सी या सेवेंटी एट पे कर रहा हूँ इसका मतलब जो मेरा रुपया है ना वो कमजोर हो गया है ना रुपयी जो है वो लेस वैल्यू हो गया इसका मतलब वो रुपया का क्या हो गया क्लास डेपरीशियेशन हमारी जो करेंसी है वो क्लास डेपरीशियेट हो गई वो कमज़ोर हो गई वो लेस वैल्यूएबल होगी क्यों क्योंकि हम एक डॉलर के लिए सत्तर देते थे पहले अब उसी डॉलर के लिए क्लास आपको अठहत्तर रुपए देना पड़ रहा है ज़्यादा करेंसी देना पड़ रहा है सेम अमाउंट ऑफ डॉलर के लिए तो रुपए का तो क्लास हो गया डेपरीशिएशन लेकिन यूएस डॉलर ताकतवर हो गया इसको बोलते हैं एप्रीसीशिएशन अब मेरा सवाल यह है आपसे कि अब मुझे आप बताओ कि ये जो डेप्रीशियशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है या एप्रीशियशन ऑफ फॉरेन करेंसी है क्या इसका मतलब समझ आ गया आज मैं तीन कंटेक्सट में बात करूंगा यही टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में सबसे पहला इनका मीनिंग समझ आ गया आपको डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी फॉरन करेंसी के सामने हमारी करेंसी कमजोर हो गई दिस इज कॉल्ड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी पहले पचास

ठीक है सर मीनिंग हमें अच्छे से समझ आ गया अब हम बात करेंगे क्लास कि इसका असर क्या होगा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे ध्यान समझना पहले हमें अब ये चीज़ समझना पड़ेगा नहीं तो तुम पक्का गलती कर बैठोगे इसमें तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है फुल्ली कॉन्सेप्चुअल पहले तुम एक डॉलर के लिए सत्तर रुपये देते थे अब तुम उसी डॉलर के लिए सेवेंटी एट दे रहे हो तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इसका इम्पैक्ट क्या होगा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पे इसका असर क्या होगा ये हमें समझना है ठीक है तो पहले अगर सत्तर रुपए दे रहा था अब मैं सेवेंटी एट दे रहा हूं तो आप सिर्फ इतना बताओ मेरे लिए बाहर से चीजें खरीदना आसान हो गया इम्पोर्ट करना आसान हो गया या एक्सपेंसिव हो गया पहले मैं अमेरिका से हजार डॉलर का सामान खरीदता था हज़ार डॉलर का सामान खरीदता था मैं सत्तर हजार रुपये देता था आज मुझे हज़ार डॉलर का ही सामान खरीदना है लेकिन मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी सेवेंटी एट थाउजेंड क्योंकि भाव बढ़ गया रेट बढ़ गया जैसे गोल्ड का रेट बढ़ जाता है ना सोना पहले कितना सस्ता आता था तीस चालीस हज़ार किलो आज तीस चालीस छोड़ो पचास में दस ग्राम मिलता है बस ठीक है तो ये रेट इतना बढ़ गया तो यानी कि भैया हम लोग तो बाहर से ज्यादा ना खरीद पाएंगे भैया क्योंकि रेट इतना बढ़ गया है हम बाहर से कम खरीद पाएंगे तो हमारा जो इम्पोर्ट है वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि तो हम लोग बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट नहीं कर पाएंगे ना महंगा हो गया या कर पाएंगे भी तो कम कर पाएंगे राइट लेकिन हमारा एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा डिप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी से क्यों पहले अमेरिकन हमारे यहाँ पे आते थे एक डॉलर लेकर और सत्तर रुपये हमें देकर जाते थे अब वो एक डॉलर लेके आते हैं सॉरी क्या बोल दिया मैंने फिर से रिपीट करता हूँ पहले अमेरिकन हमारे यहाँ पे आते थे एक डॉलर लेकर और सत्तर रुपए का सामान लेके जाते थे आज वो एक ही डॉलर लेके आ रहे हैं लेकिन वो सेवेंटी एट रुपीज का सामान यहाँ से लेके चले जा रहे हैं तो पहले हमारा एक्सपोर्ट था सेवेंटी अब हमारा एक्सपोर्ट है सेवेंटी क्योंकि उनके लिए इंडिया से एक्सपोर्ट करना चीपर हो गया उनके लिए इंडिया से सामान खरीदना अब आसान हो गया जिसकी वजह से क्लास जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा क्लास इंक्रीज हो जाएगा सो so, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है क्लास इंक्रीज़ और इंपोर्ट क्या हो रहा है क्लास डिक्रीज ये इम्पैक्ट है डेप्रीशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का अगर डोमेस्टिक करेंसी डेप्रीशिएट होगी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इम्पोर्ट हमारा कम हो जाएगा हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे लेकिन हम बेच ज़्यादा पाएंगे क्योंकि हमारा करेंसी कमज़ोर हो गया तो वो लोग आसानी से इंडिया का सामान खरीद सकते हैं उनके लिए चीपर हो गया इंडिया का सामान क्योंकि उनकी करेंसी जो है वो मोर वैल्यूबल हो गई इसी चीज़ को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या आप इसे कह सकते हो एप्रिसशन ऑफ फॉरेन करेंसी डन यहाँ तक सबको समझ आ गया कोई दिक्कत परेशानी अच्छा पहला था मीनिंग दूसरा था इफेक्ट ऑन एक्सपोर्ट इंपोर्ट अब तीसरा रीड में क्यों ऐसा होता है तो रीजन बिहाइंड ऑफ डोमेस्टिक के पीछे दो रीजन है सबसे पहला इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी हम फॉरेन करेंसी की इतनी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं जिसकी वजह से एक्सचेंज रेट बढ़ जा रहा है इस टाइम पे डायग्राम का यूज जरूर करना पेपर में यह है डिमांड और ये है सप्लाई और जहाँ डिमांड सप्लाई बराबर है इस रेट को ओ आर यहाँ ओ क्यू इस रेट को इस क्वांटिटी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओके अब जैसे ही मैं डिमांड बढ़ाऊंगा आप सबको पता है इलेवेंथ में आपने पढ़ रखा होगा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन जैसे ही मैं डिमांड बढ़ाऊंगा तो डिमांड मेरा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा राइट इंक्रीज इन डिमांड जैसे मैं डिमांड को बढ़ाऊंगा तो जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डी डी से डी डैश डी डैश ये डिमांड कर्व जो है मेरा ये राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा डी डैश डी डैश तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा ई डैश प्राइस ओ आर से बढ़कर ओ आर डैश हो जाएगा क्वांटिटी ओ क्यू से बढ़ के ओ क्यू डैश हो जाएगा तो आपने देखा होगा प्राइस ओ आर से बढ़ के ओ आर डैश हो गया मतलब प्राइस महंगा हो गया पहले सत्तर रुपये था अब बठहत्तर रुपये हो गया दिस शोज़ डेप्रीशियेशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी सीधी सी बात है यार किसी भी चीज़ की डिमांड आप अगर ज़्यादा करोगे ना तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा सप्लाई सेम है और डिमांड आप बढ़ा रहे हो तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा दिस शोज डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तो पहला रीजन क्या है क्लास इंक्रीज इन डिमांड फॉर foreign करेंसी एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर foreign एक्सचेंज लीड्स to रेज इन foreign एक्सचेंज रेट इन the given डायग्राम डिमांड देखो डी से D डैश तक बढ़ गया तो प्राइस ओ से ओ आर तक बढ़ गया ये डायग्राम ये रीजन दूसरा एक और रीजन भी है क्लासेज का और वो डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी फॉरन करेंसी की सप्लाई अगर कम हो जाएगी ना तो भी ये डेप्रीशियशन है कैसे ये रहा डिमांड ये है डिमांड यह है सप्लाई ई स्टैंड फॉर इक्म पॉइंट ओ आर और क्लास एरा ओ क्यू राइट अब जैसे ही सप्लाई कम हो गया जैसे ही सप्लाई पीछे हो गया तो नया सप्लाई कर हो गया एस डैश एस डैश ये इक्विलिब्रियम को यहाँ टच करेगा ई e डैश तो आपका यहाँ पे क्लास प्राइस बढ़ जाएगा और आप देखोगे क्लास जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी क्वांटिटी कम क्यों हुआ क्लास की सप्लाई कम हो रही है लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ गया ओ आर से ओ आर डैश डिमांड चाहे ज़्यादा हो या सप्लाई कम हो अगर सप्लाई किसी चीज़ की कम है किसी चीज़ की सप्लाई है ही नहीं मैंने कहा था कोरोना के टाइम पे वैक्सीन बहुत कम सप्लाई था मास्क सैनिटाइज़र दवाइयाँ ऑक्सीजन सिलेंडर बेड्स की सप्लाई कम थी जिसकी वजह से प्राइस बहुत महंगा था उसका राइट और डिमांड ज्यादा था तो प्राइस और महंगा सप्लाई भी कम डिमांड भी ज्यादा ज़्यादा लोग मांग रहे हैं और माल कम होता चला जा रहा है तो महंगाई तेजी से बढ़ेगी एकदम दिस इज कॉल्ड क्लास डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ फॉरन करेंसी ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया मैं रिपीट करता हूँ ध्यान से सुनना Of या of बात एक ही है, इसका मतलब आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे सेम अमाउंट ऑफ डॉलर को लेने के लिए इसकी रीजन दो है डिमांड का बढ़ना या सप्लाई का कम होना और क्लासेस का असर क्या होगा एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा जबकि हमारा इंपोर्ट जो है वो क्या होगा कम होगा ओके okay, डन तो तेरा इफेक्ट ऑन डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट और इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इंपोर्ट तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट घटेगा अब इसकी भाषा कैसे लिखोगे पेपर में वो मैंने यहाँ पे लिखवा के दे दिया है मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल है सुनील पांडा वो आप ज्वाइन कर लेना वहाँ पे क्लास आप जैसे ज्वाइन करोगे आप क्लासेस से सारे पी डी एफ वगैरह क्लास वहाँ पे मिल जाया करेंगे तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना चलो अब बात करते हैं क्लास इफेक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट डोमेस्टिक करेंसी इफेक्ट ऑफ डेप्रीशिएशन डेप्रीशिएशन का इफेक्ट क्या होगा ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पे इसका क्या इफेक्ट आएगा तो सबसे पहले क्लास यहां देखते हैं डेप्रिशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अ फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी से यूएस डॉलर इट मींस वन डॉलर कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपी सो विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया उसी डॉलर से इंडिया से ज़्यादा सामान परचेज कर सकते हैं इट मीन्स एक्सपोर्ट टू यू एस ए बिकम चीपर दिस मे रिजल्ट एन इंक्रीज इन इंडियन एक्सपोर्ट टू यू एस ए जिसकी वजह से क्लास जो इंडियन एक्सपोर्ट है यू एस ए के लिए क्लास बढ़ जाएगा अमेरिका से यहाँ ज्यादा लोग यहाँ से सामान ले जाएंगे अपनी कंट्री में क्योंकि उनको सस्ता पड़ेगा मेरी बात समझ रहे हो दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट तो डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एक्सपोर्ट पर उसका क्या असर आएगा ये वो है ओके okay? नेक्स्ट इफेक्ट ऑन डेप्रीशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इम्पोर्ट उस पर क्या असर आएगा डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी का मतलब आपने समझा दिया पेपर में वही सेम टू सेम इट मीन्स वन डॉलर कैन बी एक्सचेंज मोर रुपी सो विद इन द सेम अमाउंट ऑफ रुपी लेस गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम यूएसए इट मीन्स इम्पोर्ट फ्रॉम यूएसए इज एक्सपेंसिव दिस रिजल्ट टू फॉल इन इम्पोर्ट तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा इम्पोर्ट घटेगा अब पंचलाइन ध्यान सुनना कई बार बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आप ये बताओ कि नेशनल इनकम पे अगर डप्रीसीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है तो उसका नेशनल इनकम पे क्या असर पड़ेगा तो बेटा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगर है तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा एक्सपोर्ट क्या होता है सेल सेल बढ़ेगी तो कमाई बढ़ेगी सेल बढ़ेगी तो नेशनल इनकम बढ़ेगी तो अगर कोई ये पूछे ना कि नेशनल इनकम पे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन का फ़र्क क्या पड़ेगा तो वो आप सेम टू सेम जो सेल पे लेते हो ना जो एक्सपोर्ट पे लेते हो वही आप बोलोगे कि एक्सपोर्ट बढ़ेगा अगर एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है एक्सपोर्ट घट रहा है तो नेशनल इनकम भी घट रहा है समझ गए अब इसका उल्टा एप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी उसको समझते हैं एक डॉलर 80 का था अब एक डॉलर 70 का हो गया है एक डॉलर 80 का था अब जो एक डॉलर है वो 70 का हो गया है समझ रहे हो मेरी बात वन डॉलर जो था वो एट्टी का था अब जो वन डॉलर हो गया है वो कितने का हो गया है क्लास सेवनटी रुपीज का पहले अस्सी का था अब सत्तर का हो गया अब आप मुझे बताओ क्लास कि इस चीज को क्या बोलेंगे यहां पे जो रुपी है वो वह ताकतवर हो गया है ना क्यों पहले सिर्फ पहले अस्सी सेना भेजते थे आज सत्तर सेना ही एक डॉलर के लिए काफी है तो भैया सेना ताकतवर हो गई ना तभी तो कम सेना लग रहा है तो यानी कि रुपीज जो है वो क्लास क्या हो गया एप्रीशियटेड और डॉलर क्या हो गया डेप्रीशियटेड डॉलर कमजोर हो गया ना क्योंकि भैया आप पहले आपको सत्तर अस्सी मिलते थे अब एक डॉलर के आपको सिर्फ सत्तर मिलेंगे तो डॉलर जो है वो कमजोर हो गया ओके सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरन करेंसी पहले सत्तर देने पड़ते थे आपको साठ देना पड़ रहा है या पहले अस्सी सत्तर बाद बराबर है कम हो रहा है इन द इसे प्लीज अकाउंट्स की भाषा मत लेना सर कम हो रहा है तो डेप्रीशिएशन नहीं अकाउंट्स नहीं है ये यहाँ वैल्यू देखो ना आपकी रुपीज़ की वैल्यू बढ़ गई इट मीन्स रुपी एप्रीशिएट आपकी करेंसी ताकतवर हो गई एंड इन न्यू स्टेज टू बाय वन डॉलर वी हैव टू पे ओनली सिक्सटी तो यहाँ पे सत्तर का एग्जाम्पल है तो कुछ गलत इंटरप्रेट मत करना पहले था सत्तर अब हो गया साठ तो कम हो रहा है ना तो दिस इज कॉल्ड कॉल्डियन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी और हम सेम कह सकते फर्क पड़ेगा अमेरिका वाले इंडिया आते थे एक डॉलर लेकर सत्तर रुपए की शॉपिंग करते थे अब बेचारे सिर्फ साठ की शॉपिंग कर पाएंगे तो उनका इंडिया से चीजें ले जाना ना बड़ा एक्सपेंसिव हो गया तो एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा वो यहां से सामान कम लेंगे उनका इंडिया से खरीदना इंडिया वालों के लिए तो एक्सपोर्ट है ना अमेरिका वाले इंडिया से खरीद रहे हैं भैया इंडिया के बिहार में बात करें तो इंडिया तो अमेरिका वालों को बेच रहा है तो इंडिया कम बेच पाएगा क्यों क्योंकि अमेरिका वालों को थोड़ी दिक्कत हो जाएगी भैया पहले सत्तर एक डॉलर लेके आते थे सत्तर रुपए की शॉपिंग करते थे आज सिर्फ साठ की शॉपिंग कर पा रहे हैं तो एक्सपोर्ट हमारा कम हो जाएगा लेकिन हमारे बल्ले बल्ले आ गए हम बोलेंगे पहले सत्तर रुपये देने पड़ते थे एक डॉलर के लिए आज साठ रुपये देने हैं पहले आईफोन आता था हज़ार डॉलर का यानी कि सत्तर हज़ार हम देते थे आज भी हज़ार डॉलर का ही है पर डॉलर साठ का भाव है तो मुझे सिर्फ साठ हज़ार देना है इम्पोर्ट बढ़ जाएगा क्यों क्योंकि अब हमारे लिए इम्पोर्ट करना आसान हो गया कुछ बच्चे थोड़ा दिमाग लगाते हैं बोलते सर हमने तो डिप्रिसिएशन का याद कर रखा है एप्रीशिएशन का पलट देंगे बिल्कुल अच्छी बात है ऐसे भी कर सकते हो बट अब रीजन भी जान लो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट इन दो तीन लैंग्वेज में आपको पेपर में लिखना पड़ेगा तो एप्रिसिएशन में इंपोर्ट बढ़ता है एक्सपोर्ट घटता है यानी कि नेशनल इनकम जो है वो कम होता है ठीक है और उसमें नेशनल इनकम बढ़ता है अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे सर अच्छा कौन सा है तो बेटा देखो आप ऐसे सिंपली नहीं कह सकते कि अच्छा कौन सा है डिपेंड करता है कंट्री की सिचुएशन क्या है उस उस पर डिपेंड करता है कई बार डेप्रिसिएशन अच्छा होता है कई बार एप्रिसिएशन जैसे नाइनटीन में मनमोहन सिंह ने हमारी कंट्री की करेंसी की वैल्यू गिरा दी थी गिरा दी थी उसकी वैल्यू ताकि लोग ताकि फॉरेन करेंसी रिजर्व ज़्यादा आए ज्यादा हमारे पास डॉलर की सप्लाई आए लोग हमारे यहाँ से ज्यादा सामान खरीदे एक्सपोर्ट बढ़े तो ये रीज़न डिपेंड करता है ऐसा आप एक अच्छा बुरा नहीं कह सकते ना दोनों चीज़ें ठीक है दोनों के अपने अपने इम्प्लीकेशन है दोनों के अपने अपने क्लास कॉन्सिक्वेंसेस है ओके तो ये रीज़न अब हम बात करेंगे रीजन कि क्यों ऐसा होता है कि हमारी कंट्री ताकतवर हो जाती है हमारी कंट्री करेंसी इसके पीछे क्या रीज़न है ठीक है तो सबसे पहला रीज़न है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ करेंसी उसका उल्टा उसका डिमांड बढ़ना और सप्लाई कम इसका सप्लाई बढ़ना और डिमांड कम ठीक है इनक्रीज सप्लाई ऑफ फॉरन करेंसी यानी कि देखो अब मैं आपको दिखा दूँ डायग्राम डायग्राम बना लोगे तो डायग्राम में खुद ही शो हो जाएगा डिमांड सप्लाई होगा इक्वरिम पॉइंट अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है क्लास कि सप्लाई बढ़ रहा है तो जितना ज्यादा सप्लाई हमारे पास आएगा डॉलर हमारे पास भरमार आ रहा है हमें डॉलर की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है तो नया पॉइंट ई डैश बन जाएगा तो आप देखो इक्वरियम रेट ओ आर से ओ आर डैश हो गया क्वान्टिटी ये एरो गलत लगा है क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू डैश तक हुआ क्वांटिटी राइट साइड जाएगा ओके दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन सप्लाई इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई बढ़ेगी तो एक्सचेंज रेट में गिरावट आएगी इसको बोलते हैं अप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या ऑफ करेंसी एप्रिशिएंसीड इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरन एक्सचेंज लीड्स टू फॉल इन एक्सचेंज रेट इन द दिवन इन द गिवन डाइग्राम ए सप्लाई इंक्रीजेस फ्रॉम एस एस टू एस डैश एस डैश देन एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस फ्रॉम ओ आर टू ओ डैश डन बात समझ आ गई क्लास कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है गुड नेक्स्ट डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरन करेंसी सप्लाई बढ़ाओ या डिमांड को घटाओ बात बराबर है अगर तुम डिमांड को घटाओगे तो भी एक्सचेंज रेट नीचे आएगा और एप्रीशिएशन होगा डोमेस्टिक करेंसी का और सेम डेप्रिसिएशन होगा फॉरेन करेंसी का आप देखो ये डीडी है ये डी डैश डी डैश तो ये देखो क्लास पीछे की तरफ आएगा जैसी डिमांड घटेगा डिमांड विल शिफ्ट लेफ्ट वर्ड ई डैश तो क्वांटिटी भी घट रहा hmm. yeah. है क्लास और प्राइस भी घट रहा है क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू डैश हो रहा है प्राइस ओ आर से ओ आर डैश हो रहा है क्वांटिटी भी फॉल हो रहा है और प्राइस भी फॉल हो रहा है दिस रिड्यूस इन प्राइस ऑफ फॉरन करेंसी इज कॉल्ड अप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एंड एप्रीशिएशन ऑफ फॉरन करेंसी राइट चलो तो आपको समझ आ गया अच्छे से यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्लास इसका असर एक्सपोर्ट पे क्या होगा सेम लैंग्वेज लिखी हुई आप प्लीज़ रीड कर लेना एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा क्लास कम हो जाएगा एक्सपोर्ट विल फॉल एक्सपोर्ट विल फॉल उसमें एक्सपोर्ट राइज था इसमें एक्सपोर्ट विल फॉल और इम्पोर्ट विल राइज ओके ये नोट्स आपको मिल जाएंगे तो ये यह आप यहाँ पर चेक कर लेना एक्सपोर्ट फॉल होगा और इम्पोर्ट जो है वो बढ़ जाएगा ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं डी वैल्यूएशन देखो डेप्रिशिएशन का मतलब भी फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन ऑर्डर इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी और डीवैल्युएशन का भी सेम मीनिंग है अंतर सिर्फ इतना है पुराने जमाने में डीवैल होता था आज होता है से एक्सपोर्ट बढ़ता है इंपोर्ट घटता है डी से भी एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंपोर्ट घटेगा लेकिन डी सरकार करती थी ये मार्केट में होता है अपने आप डिमांड सप्लाई फैक्टर से ये फिक्स एक्सचेंज रेट में होता था और ये फ्लेक्सीबल एक्सचेंज रेट में होता है बस आप इतना ध्यान रखना राइट तो डी वैल्यूशन क्या इट रेफर्स टू फॉल इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन अंडर फिक्सड एक्सचेंज रेट सिस्टम राइट अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम लेकिन ये क्या है अंडर फ्लेक्सिबल सेम मीनिंग है ये अंडर फिक्स्ड अंडर फ्लेक्सिबल कंट्रोल की बात करें यहाँ सरकार के पास कंट्रोल है सरकार करती थी यहाँ मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड सप्लाई यानी डिमांड सप्लाई पे कंट्रोल है एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन सा चलता था पहले फिक्स्ड उसमें डी वैल्यूएशन होता था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में अगर सरकार ने अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया इसको बोलते हैं डी वैल्यूएशन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में अगर डिमांड सप्लाई फैक्टर की वजह से या तो डिमांड के कम होने की वजह से या सप्लाई के बढ़ने की या दोनों की वजह से एक्सचेंज रेट कम हो जाता है ठीक है सॉरी इसमें तो बढ़ जाएगा यार डिमांड के बढ़ने से डिमांड के बढ़ने से या सप्लाई के कम होने से सॉरी डिमांड ज़्यादा या सप्लाई कम या दोनों उस वजह से क्लास अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है दिस इज़ कॉल्ड डेप्रीशिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी सो अगर सरकार करे तो डीवैल्युएशन डिमांड सप्लाई फैक्टर से अपने आप अगर चेंज आए तो डेप्रीशिएशन हमारा लास्ट टॉपिक देन ये चैप्टर पूरी तरीके से एंड हो जाएगा तो ध्यान से अच्छे से इस टॉपिक को भी पढ़ लेना और ख़त्म करते हैं इसको लास्ट टॉपिक है हमारा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट जहाँ पे फॉरेन करेंसीज को बेचा और ख़रीदा जाता है तो ये कोई प्लेस नहीं है कि एक दुकान लगी होंगी आप चले जाओगे ऐसा प्लेस नहीं है ये मार्केट है क्लास वर्चुअल मार्केट मतलब इस ये एक मैकेनिज़्म है एक मैकेनिज़्म है जहाँ पे क्लास आप फॉरेन करेंसीज़ को ख़रीद और बेच सकते हो ये है तभी फॉरेन करेंसी खरीद बेच सकते हो आप आसानी से ये मार्केट है तभी इस मार्केट का पहला फंक्शन क्या है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन करेंसी ये मैकेनिज्म है ये मार्केट है तभी हमें आज किसी भी कंट्री की करेंसी इजीली मिल जाती है और क्लास हम किसी भी कंट्री की करेंसी को खरीद और बेच सकते इस मार्केट के थ्रू दूसरा क्या है प्रोवाइड क्रेडिट फॉर फॉरेन ट्रेड अगर हमें फॉरेन ट्रेड करना है हमें विदेश में व्यापार करना है तो भी क्लास हमें उधार ये मार्केट दे देता है थर्ड इज़ हेजिंग फॉरन एक्सचेंज रिस्क अगर मान लो मुझे आज से छः महीने बाद दस हज़ार डॉलर की पेमेंट करनी है यूएस को क्योंकि मैंने दस हज़ार का सामान उधार खरीदा है बट क्रेडिट पीरियड छः महीने का है मुझे छः महीने बाद पेमेंट देनी है तो आज मान लो दस हज़ार डॉलर की कीमत मान लेते हैं क्लास सात लाख पचास हज़ार है क्या पता कल को ये आठ लाख पचास हज़ार हो जाए अभी रेट पिचहत्तर का है क्या पता कल को रेट पिचासी का हो जाए तो मुझे तो सीधा सीधा एक लाख का नुकसान हो जाएगा तो मैं जाता हूँ फ़ॉरन एक्सचेंज मार्केट के पास और इनसे कहता हूँ कि मुझे छः महीने बाद आप क्या दस हज़ार डॉलर बुक कर दोगे मेरे लिए आज मुझे छः महीने बाद चाहिए तो ये ओल्ड रेट पे या एक एडजस्टेड रेट पे बुक कर लेंगे ताकि छः महीने बाद डॉलर का रेट भले ही कितना ज़्यादा बढ़ जाए तुम्हें नुकसान नहीं होगा तुम्हें पुराने रेट से डॉलर मिल जाएगा तो हमारा रिस्क कवर हो जाता है ये कुछ वैसा ही है जैसे क्लास किसी के घर में शादी होती है अगले छः महीने में साल भर में शादी होने वाली है तो वो सुनार के पास जाके पुराने रेट से गोल्ड को बुक कर लेते हैं So that आगे रेट चाहे सोने का बढ़ जाए उनको वही रेट मिलेगा जिस उन्होंने बुक किया है भले ही रेट घट भी जाए तो भी तब उनको नुकसान हो जाएगा सो so क्या है जरा रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हेजिंग मीन्स कवरिंग द एक्सचेंज रिस्क इट इज डन बाई द फॉरन एक्सचेंज रेट इन फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन थ्रू बैंक्स एक्सचेंज मार्केट मेक्स कॉन्ट्रैक्टर डेट एट प्री डिटरमाइन प्राइस तो फ्यूचर डेट पर डिलीवरी होगी लेकिन प्री डिटरमाइन प्राइस पर यहां पर आप सेफ रहते हो आपका फॉरन एक्सचेंज का जो रिस्क है ना वो खत्म हो जाता है दिस इज कॉल्ड हैजिंग ठीक है क्या बोलते हैं तीन फंक्शन आप ध्यान रखना बाकी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आर ऑफ़ टू टाइप्स दो टाइप्स होते हैं कौन कौन से स्पोर्ट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट डेली बेसिस पे अगर तुम्हें फॉरेन करेंसी चाहिए तो स्पोर्ट मार्केट में तुम्हें फ्यूचर में डिलीवरी चाहिए तीन महीने छः महीने बाद तो तुम जाओगे फॉरवर्ड मार्केट में स्पोर्ट मार्केट को करेंट मार्केट कहते हैं इट इज़ दैट मार्केट इट मार्केट विच हैंडल्स ओनली स्पोर्ट और करेंट ट्रांजेक्शन ऑपरेट डेली नेचर ट्रांजेक्शन स्पोर्ट मार्केट में डेली नेचर के ट्रांजेक्शन को बोलते हैं स्पोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज जबकि फॉरवर्ड देखो इसमें रेट अलग है अगर तुम्हें डेली बेसिस पे करेंसी चाहिए ना तो उसका रेट अलग है और अगर आप तुम्हें छह महीने बाद तीन महीने बाद करेंसी चाहिए फ्यूचर डेट पर डिलीवरी चाहिए उसका रेट अलग है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज राइट इट डिटरमाइन अ रेट ऑफ एक्सचेंज फॉर फ्यूचर कॉल्ड फॉरवर्ड रेट ऑफ एक्सचेंज स्पोर्ट में स्पोर्ट रेट ऑफ एक्सचेंज तो फॉरवर्ड मार्केट क्या है इट इज़ द मार्केट विच हैंडल सच ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरन एक्सचेंज विच आर मेंट फॉर फ्यूचर डिलीवरी जिसकी डिलीवरी फ्यूचर में होगी इमीडिएट नहीं होगी इट डज़ नॉट डील इन स्पोर्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे स्पोर्ट ट्रांजेक्शन में डील नहीं होता और ये फ्यूचर डिलीवरी होती है मतलब आपको फ्यूचर में डॉलर मिलेगा आप अभी से बुक करोगे हेजिंग वाले में भी इसी के बारे में बात कर रहे थे तो स्पोर्ट मार्केट और ये फॉरन मार्केट फॉरन एक्सचेंज मार्केट हमने पढ़ लिया इसके हमने फंक्शंस पढ़ लिए इसके हमने टाइप्स पढ़ लिए बस बहुत है क्लास ये चैप्टर पूरी तरीके से हमने कवर कर लिया एग्जामिनेशन की बात करूँ तो क्या क्या आ सकता है डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन फॉरेन करेंसी की डिमांड क्यों होती है सप्लाई क्यों होती है उनका रिलेशन और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है मैनेज फ्लोटिंग और मीनिंग ऑफ फिक्स फ्लेक्सीबल आ सकता है वो थोड़ा कम चांस है बट ये है लेकिन एक ही क्वेश्चन आ रहा है तीन नंबर का तो इस तरीके से क्लास हमने पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म कर लिया चैप्टर में चाहे एक नंबर का आए चाहे तीन नंबर का चाहे छः का चाहे आठ का हमें तो सारा कुछ ही करना है लाइन ब सब कुछ हम इसी से ख़त्म कर रहे हैं उम्मीद है क्लास की जो मेहनत है शायद आपको दिख रही होगी और आप सपोर्ट जरूर करोगे वीडियो को अपने सारे क्लासमेट्स सारे दोस्तों को शेयर करके यही एक बस आपसे क्लास एक लालच रहता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करो सारे दोस्तों में सब लोग देखें कॉमेंट करें अच्छा बोलें बुरा बोलें तो सीखेंगे अच्छा बोलेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा मेहनत करेंगे आगे, आगे आपके लिए आप देख ही रहे हो क्लास ऐसा शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मैंने क्लास वीडियो अपलोड ना करी हो अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग एक नहीं आपके लिए दो दो वीडियोज आ रही हैं डेली बेसिस पे तो आज सपोर्ट भी डबल करो शेयर करो ताकि नॉलेज उन बच्चों तक पहुंचे जो क्लास शायद कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते जो शायद अच्छे एजुकेशन से दूर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो बाकी यहाँ मैंने अकाउंट्स का और बिजनेस स्टडीज़ का प्ले अटैच कर दिया है जैसे आपको एकको समझ आ रहा है उससे भी अच्छे तरीके से क्लास आपको बी और अकाउंट भी समझ आएगा तो आप इनको फॉलो करो अपनी क्लास ट्वेल्थ की जर्नी अच्छे से बनाओ एक एक बच्चे को पास कराना मेरी ज़िम्मेदारी है बस आपका प्यार सपोर्ट चाहिए टेक केयर बाय बाय गॉड ब्लेस यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में